वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होंगे। मेरे चेहरे की मुस्कान देख के आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज खुश हूँ, बिकॉज टुडे इज माय ग्रेजुएशन एंड आई एम फाइनली ग्रेजुएटिंग इन एमिरेट्स। एंड बहुत टाइम का जो ये मेरा ड्रीम था, ये भी एक मतलब ये भी एक उस ड्रीम का एक पार्ट था। यू नो, जब आप स्टेज पे जाते हो आपका फ्लैग वहाँ पे होता है विद योर नेम, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट। सो आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड। एंड सिंगापुर के ब्लॉग के लिए काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि आप ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। सो द रीजन वॉज दिस ओनली कि सिंगापुर से मैं आई हूँ एंड मतलब सुबह 7 बजे मैं आई थी एंड मैं सोई भी नहीं। सबसे पहले मैं गई अपने नेल्स एक्सटेंशन करवा के आई एंड पूरा अपने आप को मैंने ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ करेक्ट किया, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे ही मतलब 15 को आई हूँ एंड 16 के अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना था, बिकॉज मेरे 7 एग्जाम्स थे। तो ये एग्जाम्स क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली आप जो 6 महीने फ्लाई करते हो तो यू नो एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन कंपेयर टू सर्विस एंड सब चीज़ों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होती है। सो जो अभी 4 मंथ्स जो आप फ्लाई करते हो तो आपका वापस से एक बार रिफ्रेशर टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि आप फ्लाइट पे वो चीज़ें फॉलो करते हो या नहीं करते हो। तो उसी के कल मेरे 7 एग्जाम्स हुए थे एंड मैंने सारे के सारे एग्जाम्स पास कर लिए। मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरे बैच से 6 लोग फेल हुए थे, तो मेरी ना एकदम यहाँ तक जान आके अटकी थी कि मुझे फेल नहीं होना। मैं बिना पढ़े गई थी एंड आई passed all the exams of mine, all the 7 assessments of mine and I'm so happy। और कल अंकिता दी भी आई थी बेसिकली मेरे को वहाँ पे पिक करने। आई couldn't रिकॉर्ड दैट बिकॉज मेरा फ़ोन का जो मेमोरी था इट वॉज फुल एंड सिंगापुर का ब्लॉग मैंने कल एडिट कर दिया, मे बी आज में वो डल जाएगा एंड ये वाला ब्लॉग आपको डेफिनेटली कल मिल जाएगा। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द चपड़ चपड़ बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टुडे। और या सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हेयर तो पहले ही कर लिया है, नाउ आई एम गोना डू माय मेकअप एंड लिटरली अभी रात को सोने से पहले ना आई डिड द ब्लीच। सो मैंने फेस पे ब्लीच लगाया था एंड जब मैंने ब्लीच रिमूव किया मेरा पूरा फेस जल चुका था एंड वो देखने मतलब एकदम देखने लायक नहीं था। मैं इतना डर गई थी, मेरा पूरा फेस काला हो गया था एंड अभी भी थोड़ा थोड़ा सा रिएक्शन आपको मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक से पैचेस दिख रहे हैं मतलब कल से तो अभी काफ़ी बेटर है, मुझे लगा नहीं था इतना जल्दी सही होगा एंड लिटरली मैं रोने लग गई थी कि क्या हो गया है। और जस्ट मैंने ब्लीच इसीलिए किया था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, ऐसा भी नहीं है कि मैंने जस्ट कुछ दिन पहले किया था या ऐसा। मुझे बस ऐसे लगा भाई साहब अभी क्या हो गया, मैं कल कैसे जाऊँगी कॉलेज जब मैं ऐसे मुँह के ऊपर मेकअप लगाऊंगी कहीं रिएक्शन ना कर दे। और मैं लिटरली बस रो रही थी बैठ के कि क्या हो गया मेरे फेस का। लकीली मैं कोकोनट ऑयल था तो मैंने वो लगा के थोड़ी देर मसाज किया एंड मैं सो गई उसके बाद। तो अभी तो यार ठीक है, मतलब बस थोड़ा बहुत है जैसे यहाँ यहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक है, यहाँ पे भी कल मैंने थोड़े यहाँ तक ब्लीच लगा लिया था तो वो भी मतलब थोड़ा यहाँ पे ये मेरा थोड़ा सा कुछ हुआ तो उसको ये भी बर्न कर दिया है उसने एंड या तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा पैचेस हैं बट कल से काफ़ी बेटर है बिकॉज कल तो मेरा चेहरा एकदम देखने लायक नहीं था। हावेवर अब बस मैं अपना मेकअप फटाफट करूँगी एंड आज मैं इतना आराम आराम से सारी चीज़ें कर रही हूँ जैसे लग रहा है कि बस मेरा वेट करेगी। वेल चलो फटाफट से रेडी भी हो जाते हैं। गाइस आई हैव जस्ट गॉट रेडी नाउ एंड आज मैं बहुत टाइम लेके मैं रेडी हुई हूँ बिकॉज आज मेरा ग्रेजुएशन है फाइनली। अब मतलब मेरा प्रोबेशन पीरियड जो है आज वो ख़त्म हो जाएगा एंड एक होता है ना कि आपको 6 मंथ आप रहते हो तो आपको ऐसे लगता है यार अभी प्रोबेशन कंप्लीट होना है प्रोबेशन एंड इट्स द बेस्ट फीलिंग एवर कि यू नो आपका ग्रेजुएशन होता है। सो वी ऑल आर सो एक्साइटेड एंड स्पेशली मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। एंड ऑल्सो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने जान का रोस्टर शेयर किया था आप लोगों के साथ, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मे बी पापा आएंगे एंड सब कुछ था रेडी। पापा आने वाले थे, पापा का वीज़ा आ गया था, सब कुछ था। पापा कल आने वाले थे शाम को बट देन लास्ट मोमेंट पे फिर उनको तबीयत उनकी ठीक नहीं लग रही थी एंड थोड़ा सा कुछ दिसंबर में भी हमारा मतलब कुछ सीन हो गया था पापा की तबीयत को लेके। सो उसका ही थोड़ा सा लग रहा है साइड इफ़ेक्ट उन्हें हुआ था कल। तो मैं इस टाइम पे और बहुत ग्रेजुएशन इज़ समथिंग जो कि बहुत हेक्टिक है, मैं भी घर पे नहीं थी, वो भी यहाँ पर अकेले क्या करते, तो मैंने प्रेफर किया कि पापा अभी नहीं आएंगे बट पापा जैन में ही आएंगे बट थोड़े दिनों बाद आएंगे, मे बी मेरी फ्लाइट के बाद आएंगे।
सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है. एंड मेरे को बताना मैं कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही हूँ. मैंने बहुत टाइम लेके मेकअप किया, प्रॉपर एक घंटे से मैं मेकअप ही कर रही हूँ जस्ट टू लुक गुड. एंड बाल बाल मैंने सब आज अच्छे से, मतलब मैं बाल हमेशा मतलब 5 मिनट में बना लेती हूँ, बट आज मैंने टाइम लेके थोड़ा अच्छे से इसको एकदम नीट एंड क्लीन ऐसे यू नो प्रॉपर सब कुछ बनाया है. सो या टुडे आई एम गोना टेक यू ऑल गाइज विद मी टू ट्रेनिंग कॉलेज. सो लेट्स गो. I've just booked the taxi and I'm gonna go with the taxi because आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी एंड मेरे को 3 buses चेंज करने पड़ते हैं अगर मुझे ट्रेनिंग कॉलेज जाना है. एंड ऑलमोस्ट टेक्स लाइक 1.5 आवर एंड इतना मेरे पास टाइम नहीं था. जो आप जस्ट बुक द टैक्सी एंड बस थोड़ी देर में आती है, सो हम लोग भी नीचे चलते हैं. तब तक लेट्स गो. इन केस यू गाइस आर थिंकिंग हम बैग क्यों लेके जा रहे हैं, तो हमें बैग लेके जाना होता है इसीलिए मैं लेके जा रही हूँ. एंड नेल्स एक्सटेंशन करा, ऐसा लग रहा है नेल निकल के हाथ में आ जाएगा, बार बार ऐसे लगता है. So I still have time left and I came upstairs to just grab a coffee and I'm just enjoying my coffee with the view, and literally this view is the best. Guys, now we are heading towards the auditorium which is in different building to have our graduation ceremony, and we all are just going there. So see you. Finally we are here and bahut jaldi 6 months complete ho gaye, to be very honest pata bhi nahi chala. And well done to Muskan Singh from India. Congratulations. Hey guys, so I'm back and finally I got graduated and अब मेरे को मतलब सिक्स बस मेरा मतलब ये रहता है ना कि आपका ग्रेजुएशन वगैरह हो जाता है ना, तो ऐसा होता है कि यार फाइनली आई एमरेट स्क्रू, बिकॉज प्रोबेशन में भी सारी चीज़ें चेक होती हैं एंड मेरे को फीडबैक भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिले. लाइक माय ट्रेनर्स वर लाइक दैट यू शुड बी प्राउड दैट यू हैव स्कोर दिस मच यू नो मार्क्स, एंड दे वर लाइक appreciating me for that. So I'm so happy that I have cleared my graduation. Finally I'm graduated and now and it's been like six months in the company and abhi mere se bhi junior log aane lag gaye hain. So yeah, I'm so happy. And here is my certificate. Yay! सो जब मैं वहाँ पे थी तो सबके साइड से कोई ना कोई आया हुआ था एंड मुझे थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि पापा आने वाले थे एंड लास्ट मोमेंट पे सब कुछ कैंसिल हो गया. और इफ़ अगर वो लोग आप पापा या मम्मी आए होते हैं ना, लिटरली वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, कोई ब्राज़ील से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई पोलैंड से आया था, लोग दूर दूर से आए थे. एंड हाँ, सो अगर मम्मी पापा होते तो वो भी इन्जॉय करते डेफिनेटली. तो मेरा मूड थोड़ा सा अभी उस चीज़ से ऑफ है कि मेरे साइड से कोई आया नहीं था, बट इट्स ओके.
बट ना बहुत अच्छा लगता है. लाइक यू नो मैं तो श्रिवर कर रही थी स्टेज पे जाने से पहले. लाइक जब उन्होंने ऐसे मुस्कान सिंह फ्रॉम इंडिया बोला ना, मेरा एकदम हाथ वाथ ऐसे काँप रहे थे कि मैं, मेरे को बस ये लग रहा था ना कि मुस्कान धीरे धीरे चल के जाना है स्टेज पे, क्योंकि कई बार होता है ना जब आप डरे रहते हो तो ऐसा लगता है कि चलते चलते कहीं ऐसे ना गिर जाए, ऐसे ना गिर जाए. और यू नो सब रिकॉर्ड कर रहे थे तो मुझे बस ये था कि मुस्कान. और मैं लिटरली जैसे ही मेरा नाम उन्होंने लिया ना, और नाम लेने का कोई नहीं है, जब वो बोलते ना फ्रॉम इंडिया तो वो बहुत प्राउड मोमेंट लगता है. एंड फिर मैं गई और मैं लिटरली काँप रही थी, बिकॉज जब मैं बाद में पिक्चर्स भी ले रही थी तो मेरे ऐसे हार्ट शिवर कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है और आपका फ्लैग और उस पर ऊपर आपका नेम होता है वो एक बहुत ही, मैं मतलब उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट वो बहुत ही प्यारा मोमेंट था मेरे लिए. और लाइफ में ये एक ही बार आता है तो मैंने कहा इट्स ओके, और स्टिल कांट बिलीव कि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ. एंड या एंड थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर यू नो फॉर योर विशेज एंड एवरीथिंग. बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टोरीज भी डाली है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो या आई एम सो हैप्पी, सो सॉरी फॉर द चपर चपर, बट दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट मी, दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट माई हार्ड वर्क, दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट. सो टूडे आई एम लिटरली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड इट. Now what? Now I think I should end this vlog. I know it's a very short vlog, but I wanted to make this vlog because मैंने कभी भी ऐसा कुछ share नहीं किया है और ये मेरे लिए बहुत ही memorable vlog रहेगा, like life time मेरे channel पर रहेगा. एंड इसको मैं देखूँगी जब मैं बुढ़ी हो जाऊँगी, तो सब कुछ मैं बुढ़े होने के बाद ही देखूँगी. एंड अभी मैं थोड़ी देर में निकलूँगी अपने फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि मेरा लिटरली ऐसे मेरा मूड ना ऑफ सा हो रखा था कि यार कोई मेरी तरफ से नहीं आया तो कितने हम चलते हैं ग्लोबल विलेज. सो अभी मैं जा रही हूँ उसी के, थोड़े फ्रेश वगैरह होके थोड़ा मम्मी पापा से बात करके फिर मैं निकलती हूँ. एंड देन या सी यू देयर. सो मैं काम करती हूँ, व्लॉग एंड करूँ या नहीं करूँ जैसा भी होगा वो आपको आगे चलते चलते पता चल जाएगा. सो यू कैन सी द हैप्पीनेस इन द मुस्कान ऑन माई फेस. सो आई एम सो हैप्पी टुडे.